How to fix 1+2 context search not working problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वन प्लस के डिवाइस में context search not working problem सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आप कोई कंटेक्ट को सर्च करने जाते हैं, ठीक है, तो वो सर्च दोस्तों यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पे सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखें, जो भी सॉल्यूशन है उसको फॉलो करें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको कॉन्टेक्ट ऐप को यहाँ पे अपडेट करना होगा, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट करके सर्च कीजिए, और गूगल LLC का जो कॉन्टेक्ट है वही होगा, उसको जाके अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद दोस्तों जाइए सेटिंग, स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, और ज़्यादा नीचे नहीं जाना है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाके एप्स नोटिफिकेशन को फाइंड आउट करके सी ऑल एप्स पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा कॉन्टेक्ट ऑप्शन, ठीक है, तो ये रहा दोस्तों। उसके बाद आपको जाना है स्टोरेज, क्लियर डेटा, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद दोस्तों आप बैक कीजिए और सारे परमिशंस इसका जो है यहाँ पे चेक कीजिए। तो परमिशन दो रहेगा, उसको अलाउ कर लीजिए। अलाउ करने के बाद मोबाइल को रिस्टार्ट करें, एंड देन चेकआउट करके देखिए दोस्तों, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप जाइए अपने मोबाइल के कॉन्टेक्ट पर और जाके सर्च करके देखिए, काम कर जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता रहता हूँ, यहाँ पे आपका जो कॉन्टेक्ट है उसमें यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 lines पे क्लिक करके देखना है, कॉन्टेक्ट फ्रॉम ऑल अकाउंट्स, ये जो ऑप्शन है ये सेलेक्टेड रहना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ पे जाके कॉन्टेक्ट को अलाउ कर सकते हैं। तो उसके बाद आप अगर सर्च करते हैं कॉन्टेक्ट को, तो आपको कॉन्टेक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ऑल कॉन्टेक्ट शो करवाना है, तो आपके यहाँ पे जाइए, मैं आपको शो करके बता देता हूँ डायरेक्टली। आप यहाँ पे क्लिक करें और ऑल कॉन्टेक्ट्स जो है ये ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। मोबाइल सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट नहीं है तो सॉफ्टवेयर अपडेट करके रखिए, कुछ भी प्रॉब्लम्स आपको इस तरीके का कभी भी नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।